ड्रग्स कनेक्शन में जब से दीपिका पादुकोण का नाम आया है तब से काफी ज्यादा लोग उन्हें ट्रोल करने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, और एक बार फिर से दीपिका पादुकोण जिस तरीके से उनके मैनेजर करिश्मा शाह, जी हाँ करिश्मा शाह का जो चैट जो सामने आया था उससे काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सदमे में है। और एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को लोग ट्रोल कर रहे हैं। सुबह ही कंगना रनावत ने खुलेआम उन्हें एक बार फिर से ट्रोल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर कि माल है क्या। जी हाँ, जिस तरीके को ट्रोल करने लगी, और अब एक बार फिर से जो जनता जनार्दन है, जो ड्रग्स के खिलाफ जो जनता काफ़ी ज़्यादा मुहिम में आगे बढ़ रही है, फुल सपोर्ट्स एनसीबी को और जांच टीम को जो जानना चाह रही है, एक बार फिर से दीपिका पादुकोण के कुछ पुराने फोटोग्राफ को ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल ये मामला काफ़ी ज़्यादा पुराना है। दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटोग्राफ डाला है। उस फोटोग्राफ के कैप्शन में लिखा हुआ है, लव इज सुपर पावर। जी हाँ, यानी कि प्यार एक सुपर पावर है। और इस कैप्शन में, यानी इस फोटो के कैप्शन में लिखा हुआ है कि तुम मेरे सुपर ड्रग्स हो। जी हाँ, तुम मेरे सुपर ड्रग्स हो। कहीं ना कहीं ये अपने पति रणबीर कपूर के लिए उन्होंने शब्द लिखा था, और ये पोस्ट 2019 में किया गया था नवंबर में। और जब से दीपिका पादुकोण का ये जो कल से ड्रग्स कनेक्शन में जो मैटर सामने आ रहा है, तब से उन्हें एक बार फिर से लोग ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। और सुबह से ही हैशटैग चर्सी दीपिका पादुकोण हैशटैग ट्विटर हैंडल पर चल रहा है। यानी कि एक बार फिर से जो ट्रोल की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं। और अब एनसीबी देखना होगा कि एनसीबी किस तरीके से दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजती है, किस तरीके से बुलाती है, ये अब मज़ेदार होने वाला है।